आज हम मथुरा की पेड़ा बनाएंगे। ये नॉर्मल पेड़ा से थोड़ा सा टेस्ट में बेहतर होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। आप इसे बनाकर ज़्यादा दिन के भी स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तुलसी और मेरे रसोई में आपका स्वागत है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई पे 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और चारों तरफ ऐसे अच्छे से फैला लेंगे ताकि दूध नीचे ना चिपके। मैं 3 लीटर गाय के दूध से पेड़ा बनाने वाली हूँ, तो पहले मैं 1 लीटर ही दूध डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई छोटा है। दूध जैसे जैसे रिड्यूस होते जाएगा मैं दूध डालते जाऊँगी। ऐसे तो पेड़ा बनाना बहुत ही आसान है, पर इसे बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, पर मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। मथुरा की पेड़ा बनाने के लिए एक स्पेशल ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए आपको वीडियो की लास्ट तक देखना पड़ेगा। मथुरा की पेड़े के कलर ब्राउन कलर होता है। हम इसमें कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेचुरली इसमें ब्राउन कलर आएगा। देखिए, हमारा दूध अब रिड्यूस हो चुका है, तो मैंने थोड़ा सा और दूध इसमें ऐड कर दिया है। धीमी आँच में जितना देर ये पकेगा टेस्ट में उतना अच्छा बनेगा। दूध में उबाल आने तक ही गैस की फ्लेम को हाई रखें और बाद में लो टू मीडियम कर दें। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाते जाएंगे, तभी इसका कलर ब्राउन होगा। अगर हाई फ्लेम पर जल्दबाजी में दूध को रिड्यूस कर दोगे तो उसका कलर डार्क नहीं हो पाएगा, व्हाइट ही रहता है। दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है तो और थोड़ा दूध इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके 3 लीटर दूध डाल दिया है। अब बस हमें इसे गाढ़ा करना है। अब इसमें जाएगा चीनी। मैंने यहाँ पर 3 लीटर दूध पे 1/2 कप चीनी डाला है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दूध अपने आप भी मीठा होता है, तो मैंने थोड़ा सा कम डाला है। देखिए, दूध गाढ़ा होने लगा है। अभी हमें इसे लगातार चलाते रहना होगा, नहीं तो नीचे से लग सकता है। पहले आप 2-3 मिनट छोड़ छोड़ के दूध को चला सकते हैं, पर जब गाढ़ा हो जाए तो उसे लगातार चलाते रहना होगा। फ्लेवर के लिए हम फ्रेश कुटा हुआ इलायची का पाउडर 1 छोटा चम्मच डाल देंगे। फ्रेश कुटी हुई इलायची का इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा फ्लेवर आता है। अभी दूध गाढ़ा होकर बहुत छिटक रहा है, तो मैं इस कढ़ाई का ढक्कन इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि ये छिटक कर बाहर ना आए। ऐसे आधा ढक कर भी चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। हाथ में भी छिटक कर लग सकता है, इसलिए ध्यान से करें। दूध हमारा और गाढ़ा हो गया है और उतना ज़्यादा नहीं छिटक रहा है, तो ढक्कन को निकाल लेंगे। देखिए, दूध का कलर भी अब चेंज होने लगा है। पेड़ा बनाने के लिए हमेशा एक मोटा कढ़ाई का इस्तेमाल करें। मावा को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। देखिए, मावा एकदम सूख चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने देसी गाय का फुल फैट वाला मिल्क लिया है, जिसमें भी फैट होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप कम फैट वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा देसी घी डालें। देखिए, मावा हमारा साइड छोड़ रहा है और एकदम डो जैसे बन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और करछी में जो मावा लगा है वो निकाल लेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं रेडी हुआ कि नहीं, थोड़ा सा मावा को हाथ में लेकर ऐसे गोल गोल करें। अगर हाथ में नहीं चिपक रहा है तो मावा हमारा पेड़ा बनाने के लिए तैयार है। अब हम पेड़ा के ऊपर लगाने के लिए थोड़ा सा चीनी का भूरा बनाएंगे, जिसे तगार भी कहते हैं। ये फटाफट 2 मिनट में ही तैयार हो जाता है। हमें पेड़ा में रोल करने के लिए थोड़ा सा ही चाहिए, इसीलिए मैंने 2 चम्मच चीनी में 2 चम्मच पानी डाला है। देखिए, चीनी में कैसे झाग आ रहा है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ऐसे झाग आने लगे तो गैस को बंद कर दें। देखिए, मैंने गैस को बंद कर दिया है और गैस को बंद करके ही इसे लगातार चलाते रहेंगे। ये फटाफट ही पाउडर जैसा बन जाता है। देखिए, ऐसे मैश करते हुए चलाते रहें। अगर ज़्यादा बड़े बड़े गुठलियाँ रह जाए तो आप हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब चलिए हम पेड़ा तैयार कर लेते हैं। हाथों में हल्का सा घी या तेल लगा लें ताकि पेड़ा हाथ में ना चिपके। पेड़ा अभी हल्का सा ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। आप अपने हिसाब से जैसा शेप देना चाहते हैं उसी तरह शेप दे सकते हैं। हल्का सा प्लेट में ऐसे पटक लेंगे जिससे कि ये जैसे मथुरा के पेड़ा जैसा होता है, बिल्कुल उसी शेप का बनेगा।
देखिए एकदम चिकना भी हो जाएगा और एक अच्छा सा शेप भी आ जाएगा। आप अगर सारे पेड़ा एक साइज का बनाना चाहते हैं तो एक चम्मच से ऐसे मेजरिंग करके ले सकते हैं। पेड़ा बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है पर मार्केट की पेड़ा से घर का पेड़ा टेस्ट में बहुत बेहतर होता है। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह एक ही स्पून से मेजर करके सारे पेड़े हम तैयार कर लेंगे। हमारे सारे पेड़ा तैयार हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर तगार की कोटिंग करेंगे। एक छलनी में ऐसे छान कर ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो ना आए। प्लेट को ऐसे हिला लेंगे तो सारे पेड़े पर एक साथ ही कोटिंग हो जाएगी। आप चाहे तो एक प्लेट पर पहले तगार निकाल लें और एक एक करके पेड़े के ऊपर रोल भी कर सकते हैं। सारे पेड़े पर तगार अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब हम इसे झाड़कर निकाल लेते हैं। इसे आप फ्रिज के बाहर 15 दिन तक रख सकते हैं और फ्रिज के अंदर महीनों तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे बनाएं और एंजॉय करें। मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू।